हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल सक्सेस मंच में। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं यूपी ट्रिपल एससी के लोअर का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 21 अक्टूबर को, जिसका पेपर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो टेलीग्राम चैनल पर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज उसकी आंसर की आ चुकी है। तो आंसर की आने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना बहुत ही सटीक होता है, क्योंकि उससे पहले तो हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी आएगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की जॉब तय होगी, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है। तो ये बस फाइनल है आपके पास, इसके बाद आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी आंसर की, और उसके बाद हम जानेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो चलिए ये देखिए, ये आंसर की है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा, ये आयोग द्वारा दिया गया है। इसमें आप लोगों को जो भी अगर अपने उत्तर में डाउट है तो आप लोग 7 तारीख तक याचिका डायल कर सकते हैं। अपना एक प्रूफ देना पड़ेगा जो कि मान्य प्रूफ होना चाहिए, उसके बाद आप कोई भी आंसर के लिए दे सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं 7 तारीख तक। और एक चीज़ और इसमें ये है कि हमने देखा इसमें मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन गलत इन्होंने आंसर की में दिए हैं, और साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस गलत हैं। तो जिनके पास भी अच्छा एक कंटेंट है कि हाँ यहाँ से हम अपनी चीज़ें प्रूफ कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट साइट से ऐसा कुछ है, तो वहाँ से आप अपील ज़रूर दायर कीजिए, जिससे आपके 1-2 नंबर से भी जिसका रुक रहा होगा उसका ये रुकेगा नहीं पेपर, और अच्छे से आप लोग अपना दे पाएंगे जो भी आंसर किया। तो ये देख लीजिए, Shift 1 का है ये, Series 1 ए, Series 2 Shift 1 की है ये सारी, ये Series 3 है, ये Series 4 है, ये ई एफ जी और एच ये दी हुई है। इसी तरह Shift 2 की भी ABCD पूरी दी हुई है। तो जिसको भी अगर इसका PDF चाहिए होगा तो वो मुझे बता देगा, मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगी, तो उससे आप लोग डाउनलोड करके अपना आंसर की मैच कर सकते हैं। वैसे अब तक तो आप लोगों ने आंसर की मैच कर लिया होगा। तो H तक इसमें पूरी सीरीज दी हुई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो यहाँ पर बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो मैंने एक कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी जो टैब है आपका, उसमें मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है, तो उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, और उस क्वेश्चन के आंसर जितने ज़्यादा लोग देंगे उसी के बेस पे, प्लस जितने और यूट्यूब चैनल्स हैं उसके बेस पे, प्लस जितने मेरे जान पहचान में, मतलब जो हमारे स्टूडेंट कैटेगरी है उसमें जितने भी लोग होंगे उन सब की कट ऑफ मिला के, तब मैं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाऊंगी। क्योंकि ऐसे ही हवा में बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता जब तक 1,000, 2,000, 3,000 बच्चों के मार्क्स पता ना चल जाएं। तो इसलिए आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहा है, एक बार कम्युनिटी टैब में जो क्वेश्चन पोल डाला हुआ है उसको प्लीज़ ज़रूर, बस एक टिक मार्क करना है, उसे ज़रूर करिए, क्योंकि उससे आप लोगों का कट ऑफ एक्सपेक्टेड तय होगा। और 2 से 3 दिन के अंदर मैं ज़रूर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आऊँगी। बस मैं अब मोटा मोटा आइडिया आपको दे सकती हूँ, जो लोग 280 प्लस में है, स्कोर की बात कर रही हूँ, मार्क्स की, 280 मार्क्स के प्लस में है, वो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं, बिल्कुल सेफ हैं वो 280 प्लस मार्क्स वाले। और भी जो भी आइडियाज़ है, क्योंकि आंसर की आने के बाद काफ़ी लोगों की काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, जो 300 पे थे वो 250 पे आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन काफ़ी गलत बताए गए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं ऐसा कह रही हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं ऐसा ही कुछ भी बता के आप लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहती, इसलिए आप मुझे ज़रूर कट ऑफ बताइए अपने मार्क्स की, ताकि मैं कट ऑफ बता सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच। और मैं जल्द ही अपने सारे जो भी हमारे लेसन्स चल रहे हैं वो लेकर आऊँगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जल्दी ही जल्दी मैं लेसन शुरू करने की अपनी पूरी पूरी कोशिश करूँगी। मेरी मजबूरी भी आप लोग समझते होंगे, मेरी एक छोटी सी बेटी है तो मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं जितना कोशिश कर रही हूँ कि मैं काम करूँ। अभी हम लोग टाइपिंग का काम कर रहे हैं, इसलिए अभी वर्बली काम नहीं चल रहा है जो ओरल हम लोगों का होता है। तो टाइपिंग का काम कम्प्लीट होते ही लगातार वीडियोज़ आप लोगों के सामने आने लगेगी। Thank you, thanks for watching Success Munch.